नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंग्लिश में आना को कम एंड जाना को गो कहा जाता है। लेकिन हम हर चीज के लिए आना को कम या जाना को गो नहीं कह सकते हैं। चलिए हम इसे डेली यूज सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी को बोलना है उसे बुखार आ रहा है, इसके लिए हिज फीवर इज कमिंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। या फिर अगर हमें किसी को बोलना है उसका बुखार चला गया है, हिज फीवर इज ऑफ, ना कि हिज फीवर इज गोइंग। हमें बोलना है हिज फीवर इज ऑफ, हिज फीवर इज ऑफ। अगर हमें किसी को बोलना है सर्दी आ रही है, इसके लिए विंटर इज कमिंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे विंटर इज अप्रोचिंग, विंटर इज अप्रोचिंग। अगर हमें किसी को बोलना है सर्दी जा रही है, इसके लिए विंटर इज गोइंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे विंटर इज फेडिंग, विंटर इज फेडिंग। अगर हमें बोलना है हवाई जहाज आ रहा है, इसके लिए एरोप्लेन इज कमिंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे एरोप्लेन इज लैंडिंग या फ्लाइट इज लैंडिंग। अगर हमें बोलना है हवाई जहाज जा रहा है, इसके लिए एरोप्लेन इज गोइंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ या फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ। अगर हमें किसी को बोलना है बिजली चली गई है, इसके लिए द पावर इज गो का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे देयर इज अ पावर कट, देयर इज अ पावर कट। अगर हमें बोलना है बिजली आ रही है, इसके लिए द पावर इज कमिंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे द पावर इज बैक, द पावर इज बैक। अगर हमें बोलना है रेलगाड़ी आ रही है, इसके लिए द ट्रेन इज कमिंग का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग। अगर हमें बोलना है रेलगाड़ी जा रही है, इसके लिए द ट्रेन इज गोइंग का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम बोलेंगे द ट्रेन इज डिपार्टिंग, द ट्रेन इज डिपार्टिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।